योर हाइनेस, आपने अखबारों में स्टेटमेंट दिया है कि आप किसी नौजवान लड़की से शादी नहीं करेंगे बल्कि किसी बूढ़ी औरत से करेंगे, इसकी वजह क्या है? मेरा ख्याल है कि हम राजाओं व राजाओं को सोशल वर्क करते हुए देश के लिए एक नई मिसाल कायम करनी चाहिए। अगर मैं एक नौजवान लड़की से शादी करूंगा तो मेरा सारा टाइम मोहब्बत और रोमांस में गुजर जाएगा, मगर बूढ़ी औरत इस सोशल वर्क में मेरी मदद कर सकती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि बूढ़ी औरतें अमीर होती हैं, इसीलिए आप बूढ़ी औरत से शादी करना चाहते हैं। अरे भाई, सोशल वर्कर को ऐसी बातें सुननी ही पड़ती हैं, वरना आप जानते हैं कि मैं हर साल लाखों रुपया दान देता हूँ, कभी किसी से कुछ लेता नहीं। ये क्या है? योर हाइनेस, बूढ़ी औरतें आपके स्वागत में हार लाई हैं और जवान लड़कियाँ काली झंडियाँ। प्रिंस पगडंडी जिंदाबाद, प्रिंस पगडंडी मुर्दाबाद, प्रिंस पगडंडी जिंदाबाद, प्रिंस पगडंडी मुर्दाबाद, प्रिंस पगडंडी जिंदाबाद, प्रिंस पगडंडी मुर्दाबाद। शांत देवियों, शांत बोलो, आपकी क्या समस्या है? योर हाइनेस, अगर आप जैसे खूबसूरत और नौजवान ऐसी बुढ़ियों से शादी करने लगे तो हम जवान लड़कियों का क्या होगा? बच्ची जाओ माँ का दूध पी कराओ, प्रिंस को हमारी जैसी तजुर्बेकार और सियानी बीवी की जरूरत है। हाँ, इन लड़कियों से हमारा क्या मुकाबला हो सकता है? योर हाइनेस, हमें एक बार मुकाबले का मौका दीजिए, फिर देखिए। अगर मुकाबले में जवान जीते तो जवान से शादी, वरना बुढ़ी से। हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। प्रिंस पगडंडी जिंदाबाद। बाअदब बामुलायदा होशियार, प्रिंस ऑफ पगडंडी तशरीफ ला रहे हैं।
प्रिंस ऑफ पगडंडी की खिदमत में अब पेश होती हैं कुमारी साधना पटाओ। दस में से पांच नंबर। और अब पेश होती है लक्ष्मी देवा उधमपत हंगामिया। दस में से सात नंबर। और अब पेश हो रही हैं श्रीमती धनवंती देवा माखी जानी लखपति देवा भोर जानी करोड़पति और बेवा हिंगोरानी पदमपति वगैरह वगैरह। दस में से दस नंबर। तख लिया कैंडिडेट सेलेक्ट हो गई। वाह, जिस जीवन साथी की तलाश में हम दर बदर ठोकरे खाते रहे वो आज नसीब हो गई। आइए। बड़ी अखबार में भी तुम्हारा फोटो देखा था नी, तो सडनली हमारे भी दिल को ऐसी ठक्कर लगी कि बगैर जेवर वेवर पहने किचन से सीधा भागकर इधर चली आई। बगैर जेवर वेवर पहने? मगर आपका तो ये हार ही 1,00,000 रुपए का होगा। बड़ी ये तो हम नहाते के टाइम पे पहनता है नहीं, बड़ी हम नंगा नहीं नहाती नहीं, लेकिन हमारा 15-20 हार तो बैंक में पड़ा है। 15-20? हाँ, बड़ी कराची की बैंक में तो 70-75 हार पड़ा है नी। 70-75 हार? खैर, हमें हार से क्या ताल्लुक, हमें तो आप जैसी खूबसूरत और समझदार औरत की ख्वाहिश थी, वो पूरी हो गई। बड़ी हम कितना समझदार है ये तो तुमको शादी के बाद ही मालूम पड़ेगा नी। लेकिन ये तो बोलो, शादी वादी का क्या प्रोग्राम है? बस अभी इंतजाम करवा देते हैं। बड़ी इंतजाम कैसा? बड़ी हम तो पंडित को भी साथ में लाया है नी। साथ? बड़ी पंडित जी, बड़ी मुआ पंडित जी हिडाचो। जल्दी से शादी करा नी। ठहरो मैडम, मंडप का इंतजाम तो करवा ले। बड़ी मंडप मंडप की क्या जरूरत है, बड़ी ऑटोमेटिक फेरे हो रहे नी। बैठो, शादी कराओ नी।
डाकू पे डाका डाले तो बड़ा मजा आए। हे लक्ष्मी माँ, आज से चोरी चकारी बंद। बेईमानी से मारे हुए जेवरों की ईमानदारी के साथ दुकान खोल रहा हूं। बस थोड़ा सा तेरा कॉपरेशन चाहिए, फिर तू देख मैं सारे शहर को लूट लूंगा। नहीं नहीं, नो बेईमानी, आज ठीक 10:30 बजे शहर के सबसे बड़े अरबी शेख जनाब नेक सूरत साहब तशरीफ ला रहे, बस किसी तरह से उन्हें कटवा दे। सेठी सेठी, शेख साहब आ गए। शेख साहब आ गया बजाय 10:30 के 10:15 बजे आ गया है? दूसरा शेख शेख नेक सूरत साहब तशरीफ नहीं ला सके क्योंकि उनको बादशाह सलामत का टेलीफोन आना था, इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई जनाब शेख नेक सीरत साहब को आपके उद्घाटन के लिए भेजा है। इनकी बेगमात भी साथ आई हुई हैं क्योंकि 2 लाख का जेवरात भी खरीदना है। 2 लाख खुल गए भाग। अल-शक्ल मिनल फरेबी नून-गुन्ना। नून-गुन्ना क्या? शेख साहब सिर्फ अरबी बोलते हैं। शेख साहब का कहना है कि आप सूरत से भले आदमी मालूम होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, पधारिए शेख साहब, पधारिए। अरे माफ कीजिएगा शेख साहब, अपनी बेगमात को किसी से बोलने की इजाजत नहीं देते। गलती हो गई, पधारिए शेख साहब, पधारिए। हराम नहीं, हाई क्लास। शेख साहब फरमाते हैं कि माल बहुत हाई क्लास है। बड़ी मेहरबानी आपकी, इस दुकान में आपको हर शहर का माल मिलेगा। अरे छोरो, हर कटे भाया। शेख साहब अगर आप आज दें तो ये आपके गले में डाल दूं। अरे ये तुमने क्या किया? हाउ हाउ, मैंने क्या किया? अरे हाउ हाउ, हमारे मुल्क में तो फूल सिर्फ कब्र पर चढ़ाए जाते हैं। कब्रुद्दीन, माफ कीजिए, माफ कीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। बेगमात को आपके जेवरात पसंद आए, मिशल खैर खरीदना चाहते हैं। मिशल खैर, तो फिर मैं जरा बेगमात से जाके मिलूं। सेठ जी, तुमको जाने की क्या जरूरत है? वो वहाँ माल ले लेगी, आप यहाँ दाम ले लीजिए। मिशल खैर, झगड़ा लुआ दुकान के सब जेवरात खरीदने का हुक्म दे दिया। लेकिन माल कटे है, मेरा मतलब चेक चेक। अजी शेख भाई की बात कीजिए, शेख साहब हमेशा कैश देते हैं, कैश। बताओ ये सब माल कितने का है? माल ये सब शेख साहब 2 लाख रुपए का है। रख मैं अपना बजे। ये लो, खुद इधर से निकाल लो। अच्छा हजार की नोट है। मिशल बखैर, लक्ष्मी माई तेरी जय हो, अब इनकम टैक्स से बचा लेना। सेक्रेटरी तंबाकू जी, 100 दिनार नोट। आगे ये कैसी सिगरेट है? ये शेख साहब का प्राइवेट सिगरेट है जो 100 रुपए के नोट में अपने हाथ से तंबाकू डालकर पीते हैं। मिशल बखैर, बाप रे, 100 रुपए का नोट में तंबाकू डाल के पी जाते हैं? जी हाँ, शेख साहब का कहना है कि इससे अच्छा कागज कोई नहीं। मिशल बखैर, हाँ, इससे अच्छा कागज तो कोई भी नहीं है। पेवंद पेवंद, अरे मुबारक हो, मुबारक हो, आप खुश नसीब हैं जो आपको सिगरेट पेश कर रहे हैं शेख साहब। पेवंद, शेख साहब नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। हाउ हाउ का दावा खुला, मारा खरीदा पापा छोड़ दे। यो हाउ 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 क्या? अरे हाउ हाउ क्या, शेख साहब को तोहफे को न कबूल करना साफ खाता का है। फरमा रहे हैं कि पैसे का माल नहीं खरीद रहे। हाउ 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 शेख साहब नहीं, शेख साहब मैं सिगरेट पीऊंगा। माल मिशल बखैर, मिशल बखैर, मिशल बखैर, मिशल बखैर, मिशल बखैर।
डाका डालें तो बड़ा मजा हो। अच्छा तो वो शेख नहीं था, वही था, समझ लूंगा उस केचुए को। मन खूब मी शनासम पीराने पार सारा, दरिया दिखाया मीठा, पानी पिलाया खारा। माल मेरा है, आप यहां भी पहुंच गए और सेम गेटअप में। पहले आपस में फैसला कर लें। जिसका बड़ा पत्ता उसकी पहली चाल। कौन सी ताश? तुम्हारी ये, मेरी ये। मेरी ये नहीं, मेरी वो। बुड्ढा मर गए, इससे बड़ा पत्ता क्या निकलेगा। अरे मर गए। मेरी पहली चाल। एक मिनट, मुझे शक है। क्या? ये सबक के। तुमने बेईमानी में बेईमानी की है। पहली चाल मेरी। जैसे उसकी मर्जी। देखो मैं इंडियन 007 जेम्स बॉन्ड हूं। ये जो फॉरेनर लेडी बैठी है, इसका परमिट और पासपोर्ट है? है सर। निकालो। मैरी जॉनसन, अमेरिका, लंदन, पेरिस, रोम। थैंक यू। वेटर। यस मैडम। वन विस्की सोडा। यस मैडम। वेटर। यस सर। नो विस्की नो सोडा। वेटर वन विस्की सोडा। वेटर नो विस्की नो सोडा, गेट आउट। तो तुमको कौन रोकने वाला है? मेहम साहब, हम वो हैं जिसने हिटलर, कैनेडी और चर्चिल के मरने से पहले ये बता दिया था कि वो लोग मरने वाला है। ये विस्की सोडा अगर आप पिएगा तो विस्की सोडा अंदर और आपका दम बाहर, आपको हार्ट फेल हो जाएगा। तुम एस्ट्रोलॉजर आए? यस, बहुत बड़ा, वेरी बिग। आपका नाम मैरी है? यस। बाप का नाम जॉनसन? यस। डेट ऑफ बर्थ 29 सितंबर? यस। आप अमेरिका से लंदन गया? यस। लंदन से पेरिस? यस। पेरिस से रोम? यस। रोम से इंडिया आया? यस। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तुम कैसे मालूम है? आप विस्की पेंगा मर जाएगा। हम आपको बताते हैं, आप अपना हाथ दिखाओ। वेरी गुड, ये आपकी ढकी हुई रेखा बता रही है कि आपका ये डायमंड अनलकी है। ये अनलकी है? हाँ, फांसी का फंदा है, रोप ऑफ डेथ। ये 25,000 हम खर्चा किया। हाँ, तुम 25,000 खर्चा किया, लेकिन ये जिसको लकी है वो 30,000 भी खर्चा कर सकता है। हाँ? Yes. You sell this for me? Oh, yes, yes, बेचेगा। तुम निकालो। अरे क्या कहा, पुलिस की रेड पड़ने वाली है। थैंक यू थैंक यू, अभी हम भाग जाते हैं। मारा। एक्सक्यूज मी, आप इसको रखो, हम अभी आते हैं। एक दो तीन चार पांच, 50 तेरे 50 मेरे। ठीक ठीक कहा, 10 रुपए और दे। ये कपड़ों का किराया कौन देगा? अच्छा ले भाई, 10 रुपए कपड़ों का किराया। यस मिसी बाबा, वो हमारा भाई, स्टेप ब्रदर। अच्छा, ओ बट व्हाई इतना जल्दी भाग गया? वो मिसी बाबा, जैसा ये स्टोन तुम्हारे लिए अनलकी, उसके लिए वेरी वेरी अनलकी, मगर हमारे लिए वेरी वेरी लकी। अरे दारा सिंह भी कोई पहलवान है, ऐसा फ्लाइंग किक मारा के उड़ता हुआ बंबई से पूना पहुंच गया, और किंग कॉन्ग को ऐसा जलेटिन चॉप दिया कि लौटन कबूतर बन गया। कौन है बे तू? आप अंदर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आप मनहूस हैं। क्या मुझे मनहूस कहा? मैंने नहीं कहा, मेरे गुरु ने कहा। कहाँ है तेरा गुरु? वो क्या बुड्ढी के पास बैठा? अच्छा,
तुम बाइक करेगा? हाँ, हम इसको भी खरीदेंगे, तुमको भी खरीद लेंगे। तेरे गुरु की ऐसी तैसी, अभी फ्लाइंग किक मारता हूँ। क्या वे गुरु के बच्चे? मेरे कुछ नहीं बोला, मेरे को जितना मर्जी मार लो, मुझे मेरे चेले को कुछ मत बोला। चेले को? बिल्कुल। उसको भी अभी फ्लाइंग किक मारता हूँ। ये टैट फॉर टैट कब तक चलेगा? अरे यही तो बोलता हूँ, इतना बड़ा बम्बई है, आपस में फालतू का कंपटीशन, आधा आधा बांट लेते हैं। बम्बई आधा आधा कैसे बटेगा? अब मैं बताता हूँ, ये देखो बम्बई का नक्शा, ये रेस कोर्स वाला हिस्सा तुम्हारा, ये फिल्म फेयर वाला हिस्सा मेरा। जी नहीं, अगर बॉम्बे बटेगा तो हिसाब से बटेगा। कैसे? ये चर्च गेट तुम्हारा और अंधेरी मेरा। मंजूर। ये फारस रोड तुम्हारा, ये पिलाउज मेरा। मंजूर। ये भेंडी बाजार मेरा और लालबाग तुम्हारा। मंजूर, मगर सरकार का कुछ नहीं? सरकार का ये है ना बीच में इतना सा। अच्छा, नो मैन्स लैंड। हाँ, ओके, गुड लक, गुड बाय। हांगकांग के मशहूर करोड़पति की बॉम्बे में मौत, वारिस की तलाश, वारिस। लावारिस करोड़पति की मौत, बहुत से झूठे वारिस जायदाद लेने के लिए पहुंच गए। झूठे वारिस तो सच्चे भी तो पहुंचने चाहिए। आप यहां कैसे आए? इस बंगले में मेरा चिचा मर गया, लेकिन आप कैसे आए? इसी बंगले में मेरा मामा मर गया। समझ गया यार, कोई नहीं मरा। क्या बोलते हो? मगर ये फैसला नहीं हुआ था कि सड़क के उस पार तुम्हारा राज और इस सड़क के पार मेरा राज? लेकिन मैं बाप, ये घर जो है दो सड़कों के बीच में है, नो मैन्स लैंड। ओ, समझ गया, यानी कि टू मैन लैंड। टू, ठीक है। मगर भैया, जिन लोगों के बुजुर्ग मरते वो कुछ ट्रेजिक मेकअप करते। ह्यूमन से दोदास। हाँ, आप मुझे आधे घंटे बाद में मिलिए, यही मैं टकला करा के आता हूँ। नेक्स्ट, आप आइए। Yes? यकीन मानिए वकील साहब, ये सब नकली हैं। सिर्फ मैं असली हूँ, इसलिए प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए। और मरहूम की भी यही ख्वाहिश थी। ऑल राइट, तशरीफ रखिए। नेक्स्ट प्लीज, आप आइए। चाचा! आप लोग जरा सुनिए तो सही। अरे इंसान की क्या सुने, जब भगवान ने हमारे सुनने सुनाने के लिए कुछ नहीं छोड़ा। मामा कहते थे कि बेटा अनाथों की देखभाल किया करो, अब हम खुद अनाथ हो गए, हमारी देखभाल कौन करेगा? लोग तो बाप के मरने पे भी बाल नहीं मुंडवाते, मैं तो चाचा के मरने पे बाल मुंडवा चुका हूँ। लेकिन लेकिन चाचा तुम्हारे रिश्ते में क्या लगते थे? मैं वकील हूँ। मामा जी के शरीर का है, उनकी डेड बॉडी। डेड बॉडी? डेड इज हियर। चाचा, देखो देखो, डबल बेड पे सिंगल लेटा हुआ। बिल्कुल सिंगल है। ये है असली वारिस और ये सब नकली, इन्हें जायदाद की फिक्र है और इन्हें इन्हें अपने बुजुर्ग की मौत का। आप लोग सब यहां से तशरीफ ले जाइए, प्लीज चले जाइए। चाचा तुम तो कहते थे कि अपने हाथ से मेरा चेहरा बांधोगे, कहा है वो हाथ और कहा है वो चेहरा? मामा, तुम कहते थे तुम्हारी पालकी बड़ी
डालूंगा। अरे किधर गई वो पाल की? मेरे घर से प्यार की पालकी चली गई। पालकी तो गई चाचा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बाबा, मैं तुम्हारी अर्थी के साथ लटक जाऊंगा। चाचा, ये तुम्हारा लटकने वाला भांजा तुम्हारे साथ सती हो रहा है। उल्लू के पट्टे? उल्लू के पट्टे? उल्लू के पट्टे, हम उल्लू के पट्टे। मामा प्यार से मुझे उल्लू और इसे पट्टा बुलाया करते थे। उठो चाचा, देखो उल्लू के पट्टे आए हैं। बोलो उल्लू के पट्टे, बोलो। यंग मैन, मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप दोनों ही इनके असली वारिस हैं। इनकी जायदाद और इनके बैंक अकाउंट वगैरह की लिस्ट ले लीजिए। अरे भाड़ में जाइए जायदाद और जहन्नम में जाइए अकाउंट। हमारे चाचा का मुर्दा कितनी देर से पड़ा है, अब तो झाड़ भी उगने लगे हैं। महेश भैया, ये झाड़ वाड़ साफ करके इनका क्रिया गर्म करो। अब तो सब से ही काम लेना पड़ेगा। अरे तुम सब्र की बात कर रहे हो टकलू, अगर तुम्हारा चाचा मरता तो पता चलता। इनकी सारी जायदाद आपको सौंपना मेरी ड्यूटी है, इसलिए मुझे मेरे फर्ज से फारिग कीजिए। कह जो दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप फारिग हो सकते हैं। क्यों रमेश भैया फारिग? हाँ महेश भाई, हमको पैसा लेकर क्या करना है। हम अगर पैसा मिल जाए तो मामा जी की यादगार में यतीमों के लिए एक यतीम खाना बना सकते हैं। क्या नेक बात कही है, जल्दी से इंतजाद आपके कागज ले लीजिए। नेक काम है तेरी क्यों? बेशक बेशक, लाइए लीजिए कागजात। मैं सारी जायदाद आपके नाम करने का इंतजाम कर देता हूँ। अब मुझे इजाजत है। हमें छोड़कर क्यों चले गए? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया बच्चों। ये आवाज कहाँ से आई? कहाँ से आई? किसने बोला? मैंने ही बोला। मैंने भी नहीं बोला। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। 420 को 420 मिले करके लंबे हाथ। तुम यहाँ जिस जायदाद को हासिल करने के लिए आए हो वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक पहले काम करना होगा। लेकिन लेकिन आप चीज क्या है? जल्दी बोलो। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या चीज। बोलो इसे। इसे नहीं नहीं नहीं, इसमें भी मुर्दे होंगे। खोलो। सोने के बिस्किट। इसे खोलो। हीरे, हीरे। तुम इसे खोलो। मेरा नाम नो नो नो। ये चीज मैं, बहुत बड़ी चीज है। ये तो मेरी जायदाद का दसवां हिस्सा भी नहीं है। हांगकांग में मेरी 2 करोड़ की जायदाद। लेकिन फिर भी आपने ये सब ड्रामा क्यों किया? ये सब ड्रामा क्यों किया? क्योंकि मेरे काम के लिए तुम्हारे जैसे चालाक नौजवानों की मुझे जरूरत थी, और तुमने अपनी चालाकी का सबूत दे दिया। अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। तो जल्दी बताइए क्या काम, बताइए। ये एक दर्दनाक कहानी है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था मुझे एक लड़की के साथ प्रेम हो गया था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और उस लड़की की शादी किसी और के साथ हो गई। उसी गम में मैंने आज तक शादी नहीं की। एक्टिंग करने की कोशिश मत करो। ऐसी दर्दनाक कहानी सुनकर आंख में आंसू नहीं तो और क्या आएंगे? क्यों रमेश भैया? हाँ महेश भैया, और फिर हमारे जैसे कोमल हृदय वाले तो रो ही। अब मेरी समस्या ये, मेरी महबूबा की एक जवान लड़की है जिसे मैं अपनी बेटी समझता हूं, मगर एक प्राण नामी बदमाश उस लड़की के साथ मंगनी करने में कामयाब हो गया। तुम दोनों में से जो भी उस लड़की को प्राण के पंजे से छुड़ाकर शादी करने में कामयाब हो गया मैं उसे अपनी सारी दौलत दे दूंगा। लेकिन बदमाश तो हम लोग भी हैं। कुछ बदमाश मुझे पसंद है और कुछ नहीं। लेकिन तुम्हें नाम से मतलब है या दाम से? दाम, 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 दाम। तो ये रहा 10,000
एडवांस यानी परचूरन खर्चा और लड़की का नाम और पता? हाँ, पता ये रहा उसका पता। अच्छा चलो महेश भैया चलो ठहरो, जाने से पहले वो सोने की ईंट ईंट नहीं सेठ जी बिस्किट। हाँ बिस्किट एक ही मारी। थैंक। अच्छा और ये कागजात? ये भी। अच्छा तो 5,000। अच्छा हमारी समस्या ये है कि हांगकांग में एक हिंदुस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर राय ने प्राइवेटली आइटम बम का फार्मूला तैयार किया था। वो फार्मूला किसी भी मुल्क को 10 करोड़ रुपए में बेचा जा सकता। हमारी पार्टी ने वो फार्मूला हासिल करने के लिए डॉक्टर राय और उसकी जवान लड़की को पकड़ भी लिया था, लेकिन बाप और बेटी दोनों कमबख्त कुछ ऐसे देशभक्त निकले कि उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन वो फार्मूला हमें नहीं दिया। खुशकिस्मती से एक हिंदुस्तानी पर्चे में हमने एक ऐसी लड़की की तस्वीर देखी जिसकी शक्ल हूबहू मरहूम डॉक्टर राय की मरहूम बेटी से मिलती है। वो फार्मूला डॉक्टर राय की मरहूम बेटी के नाम से हांगकांग के एक बैंक में महफूज है। अगर हम इस हिंदुस्तानी लड़की को हांगकांग ले जाने में कामयाब हो जाए तो वो फार्मूला बैंक से भी हासिल करने में हमें कामयाबी हो सकती है। मगर दीवान साहब, लड़की हांगकांग जाएंगे कैसे? और अगर चली भी गई तो हमारे कहने से बैंक में वो फार्मूला लेने क्यों जाएगी? इन्हीं मुश्किलात को सोचते हुए मैंने एक प्लान बनाया है। अगर लड़की को किसी नौजवान से मोहब्बत हो जाए तो वो नौजवान इसे हांगकांग ले जा सकता है और उसके कहने पर लड़की बैंक से फार्मूला भी ला सकती है। क्या आपको कोई ऐसा नौजवान मिला? एक नहीं दो। उस लड़की का कोई फोटो है? ये रहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबकी तरफ से मिस सोनिया को मिस बॉम्बे चुने जाने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। इनकी इस कामयाबी पर इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इन्हें 5,000 रुपया कैश और 15 दिन कश्मीर की सैर का इनाम का ऐलान किया जाता है। दीजिए, मजा आ गया। जेंट्स और लेडीज, आप लोगों को यह सुनकर और भी खुशी होगी कि मैंने अपनी भतीजी मिस सोनिया, मतलब ये कि मिस बॉम्बे की मंगनी मिस्टर प्रान से कर दी है। मजा आ गया ना? मैं अब मिस सोनिया से दरख्वास्त करूंगा कि वो आप लोगों से मुखातिब हो। बहनों और भाइयों, मुझे मिस बॉम्बे चुनने पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इस कामयाबी का सहरा मेरी आंटी और मेरे मंगेतर मिस्टर प्राण के सर रहा है, जिन्होंने मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया था। थैंक यू वेरी वेरी मच। पहला अटैक मैं शुरू करूंगा या तुम करोगे? यार मेरे को तो ये लड़की पसंद नहीं, तुम ही आगे बढ़ो। गुड लक। लड़की तो मुझे भी पसंद नहीं और लड़कियों के पीछे भागना मेरी लाइन नहीं, तुम ही आगे बढ़ो। गुड लक। तो फिर छोड़ो ये मगजमारी, 5,000 तो मिल ही गए। यू आर राइट। गुड लक। बाय बाय। गुड लक। अंधे को किसने मारा? गरीब अंधे को किसने मारा? अंधा गरीब। कौन? एयर हॉस्टेस मैडम, अंधा तो पहले ही मरा हुआ होता है, फिर क्यों मार रही हो? आप अंधे हैं? ओह ये भगवान, ये मैंने क्या पाप कर दिया। प्राण जी, आप जरा आंटी के पास बैठे, मैं इनसे माफी मांग लूं। ओह श्योर। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे सख्त गलती हो गई।
That's all right, madam. देश की सेवा करते करते मैं अपनी आंखें खो बैठा और देश वाले बजाय मेडल के थप्पड़ दे रहे हैं। आप फौज में थे? जी हाँ, हम फौज में थे और दुनिया वाले मौज में थे। यहाँ है। आपसे मिलकर ऐसे लगता है जैसे मुझे मेरी बिनाई, मेरा मतलब है मुझे मेरी आंखें मिल गईं। आपसे भी मिलकर ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का कोई मकसद मिल गया हो। बस अब एक ही तमन्ना है, किसी तरह आपकी आंखें आ जाएं। आपने कभी अपना इलाज नहीं कराया? इलाज करवाने की मैंने बतेरी कोशिश की लेकिन हो ना सका। क्यों? इसके इलाज के लिए हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही एक्सपर्ट डॉक्टर है, मगर वो हजारों रुपए फीस मांगता है और वो बिजी भी बहुत है। आपने देश के लिए अपनी आंखें दे दी, ऐसा कौन सा डॉक्टर है जिसको आपसे हमदर्दी ना हो? उसे तो आपका इलाज फ्री करना चाहिए। आप ठीक कहती हैं। आप मुझे उसका नाम बताइए। नाम? उसका नाम आई वाला है। आई वाला? हाँ, पाटली वाले का छोटा भाई। और एड्रेस? एड्रेस? वैसे तो वो दिल्ली में रहता है लेकिन वो वहाँ नहीं है, सुना है किसी पहाड़ पर गया है। वो तो अपना पता भी किसी को नहीं बताता क्योंकि मुझ जैसे हजारों अंधे उसे इलाज के लिए परेशान करते हैं। मैं उसका पता मालूम करके ही छोड़ूंगी और उसे आपका इलाज करना ही होगा। चलिए मैं आपको आपके कमरे में छोड़ आती हूँ और दिल्ली ट्रंक कॉल करके डॉक्टर आईवाला का पता करूंगी। चलिए। बेटा अंधा बन गया? डॉक्टर आईवाला, मुझे करोड़ों की परवाह तो नहीं, ये मंगनी तो मैंने आपको हुक्म मानकर की थी। आहा, मजा आ गया। भतीजी हो तो ऐसी, शादी के बाद तू मुझे इतनी दुआएं देगी कि मजा आ जाएगा। साहब मजा किरकिरा हो गया। मजा आ गया? क्या हुआ? आंटी थिएटर से 3 टिकट लेने के लिए गया था। हाँ। लेकिन बड़ी मुश्किल से 2 ही मिले, अब तो सिर्फ सोनिया और मैं ही जा सकेंगे। मजा आ गया। आंटी जी मेरे ख्याल में आप और प्राण बाबू थिएटर चले जाए। मजा आ गया, मैं भी तो यही कह रही थी। साहब मजा किरकिरा हो गया, मगर क्यों? मुझे दिल्ली ट्रंक कॉल करना है डॉक्टर आई वाला को। उसी अंधे के लिए? प्राण बाबू आंखें बड़ी नियामत है, अगर ये नियामत हासिल करने में किसी की मदद की जा सके तो हमें उसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। नहीं नहीं, तुम्हारी हमदर्दी ने तो मेरे दिल में भी दर्द भर दिया है। आंटी जी, जी मेरे ख्याल में आप प्राण बाबू के साथ थिएटर चली जाइए। मजा आ गया। सब मजा किरकिरा हो गया। क्या कहा? आंटी तुम्हारे आने की वजह से नहीं, सोनिया के न जाने की वजह से। आओ चलो। एक मिनट, सब ठीक है ना? चलो। मजा आ गया। क्या बात है प्राण बाबू? आंटी मैं शायद कमरे में बटवा भूल आया। हाँ? आप नीचे चलिए, मैं अभी आया। जरा जल्दी आना। हाँ? मजा आ गया। मैं हूं सोनिया का मंगेतर प्राण। महेश साहब, ये आप सोनिया की तस्वीर क्यों लगा रहे हैं जब आपको कुछ नजर नहीं आता? प्राण साहब, भगवान भी तो नजर नहीं आते लेकिन हम फिर भी उनकी मूर्ति घर में रखते हैं, अपने मन में रखते हैं। आइए प्राण साहब बैठिए। आप कैसे आए? आपको देखने चला आया। सोनिया पर तो सिर्फ आजकल आपकी धुन सवार है। बड़ी प्यारी बच्ची है। प्यारी? जी हाँ, प्यार वाली, जिसे प्यार नहीं करना चाहिए उसे भी प्यार करती है। प्राण बाबू,
आप चले गए क्या? जी नहीं, यहीं हूँ। तो फिर चुप क्यों है? बैठिए ना। जी नहीं, फिर कभी आऊंगा, आप आराम कीजिए। ये फूल मेरे लिए लाए थे क्या? आपने कैसे देखा कि मेरे पास फूल हैं? प्राण बाबू, अंधे की आंखें नहीं होती, पर उसके कान और नाक बहुत तेज होते हैं। मैंने खुशबू से फूलों को पहचाना। जी हाँ, आप ही के लिए लाया था, ये लीजिए। लाइए। ये इधर। बहुत बहुत शुक्रिया प्राण बाबू। वाकई प्राण बाबू, आप सोनिया के मंगेतर होने के काबिल हैं। जिस आदमी की शादी सोनिया से हो रही है, वो न सिर्फ दिल का बल्कि सूरत का भी यूसुफ होगा, दिलीप कुमार होगा। लाइए जरा मैं अपने हाथों से आपका हंसी चेहरा टटोल लूं। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत कान है। ये कान नहीं है, नाक है। तो फिर कान कहाँ? कान ये। आह, मजबूत है। खींच क्यों रहे हो? प्राण बाबू, कुत्ते और आदमी की नस्ल कान खींच कर ही पता चलती है। वाकई आप खानदानी, जरा मुंह दिखाइए। ओहो, आप मूछें भी रखते हैं, जरा दांत तो देखो। छी, क्या बदतमीजी है। यस डॉक्टर आई वाला। हाँ हाँ, मैं डॉक्टर आई वाला बोल रहा हूँ। क्या है? मैं यहाँ काम करने नहीं आया, सैर करने आया हूँ। अरे भाई, तुम्हारा भाई अंधा है तो क्या हुआ? तुम्हारा बाप भी अंधा हो तो मैं इलाज नहीं करूंगा। डोंट डिस्टर्ब मी इडियट। डॉक्टर आईवाला, आपको मेरा नाम किसने बताया? वो डॉक्टर साहब। मैंने आपको बैठने के लिए कहा। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। मैं जानता हूँ क्या जरूरी काम है। आपका भाई अंधा है या माँ अंधी है या बाप अंधा है, और आप चाहती हैं कि मैं उसका इलाज करूँ? जी नहीं, वो मेरा कुछ नहीं लगता। ओ, तो प्रेमी है? जी नहीं, उनका मुझसे हमदर्दी और इंसानियत के सिवाय कोई रिश्ता नहीं। ओ, तो यानी अब सोशल वर्कर है, दुनिया का दुख नहीं देख सकती? ये भी नहीं, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, और अगर किसी की मदद हो सके तो वो मेरा फर्ज है। तो आप अपना फर्ज निभाइए, मैं अपना फर्ज निभाता हूँ। और इस वक्त मेरा फर्ज है काम न करना, आराम करना। काम हराम है, प्लीज गो। देखिए डॉक्टर साहब, उस शख्स ने देश के लिए अपनी आंखें दे दी है। आप क्या ऐसे देश द्रोही है कि उस आदमी की मदद भी ना करेंगे? भाषण हो चुका, नाउ प्लीज गो अवे। सुनिए, मैं अपने जमीर को एक अबला के आंसू में डूबता हुआ नहीं देख सकता। अपने आदमी को कल इस एड्रेस पर लाइए, ये मेरे एक दोस्त की डिस्पेंसरी है, मैं उसका इलाज करूंगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, आप देखता हैं। सोनिया। प्लीज महेश। यस, डॉक्टर आई वाला ने हमें बुलाया था। कुत्तों के पट्टे से मुझे बांध रहा है। ये क्या है? अरे क्या कर रहा है? दूसरा मरीज देखने का है। क्या डॉक्टर है, मैं जन्म का अंधा था, 24 घंटे के अंदर उसने मेरी आंखों में रोशनी दे दी। देखिए मैं सब कुछ देख सकता हूँ। गुड लक, गुड लक भाईजान, गुड लक। सोनिया। महेश यहाँ, देखा तुमने? मैं तो अंधा हूँ, कहाँ से देखूंगा? मेरा मतलब सुना तुमने? डॉक्टर साहब तुम्हारी आंखें भी ठीक कर देंगे,
बोलो डॉक्टर साहब आ गए। कहाँ है? सुनिए देखो मेरी डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब क्यों आए हैं? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग सोनिया। ये डॉक्टर है या कसाई? कसाई नहीं मेरे भाई। बिठा दे। नहीं सोनिया नहीं। सोनिया मर गया। नर्स। यस डॉक्टर। इसकी आंखों में डालने के लिए लाल मिर्ची का तेजाब लाओ। लाल मिर्ची का तेजाब आंखों के लिए क्या? आंखों का अचार डालने वाले हो डॉक्टर? डॉक्टर उससे तो आंखों में बहुत दर्द होगा। अगर दर्द होगा तो इसका मतलब है कि आंखों में दम है। अरे दम क्या डॉक्टर, तुम तो दम निकालने वाले हो। डॉक्टर नर्स पेशेंट को लिटा दो। अरे नहीं नहीं नर्स इधर ही लिटा दो। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बहन। ऑपरेशन में बंद। अरे कोई है? है है है। अरे कोई है? है डॉक्टर। जो बेटा बाप से चालाकी। पिताजी एक बार और माफ कर दे यार। शट अप। सोनिया सोनिया मिर्ची का ताजा। वेरी गुड फॉर ब्लाइंड आई। सोनिया डॉक्टर ये तो बेहोश हो गया। इसी तरह इसका आंख होश में आएगा। नर्स अब देखो इसको 24 घंटे के लिए डार्क रूम के अंदर बंद कर दो। रूम में बंद करोगे तो मुझे दिखाई कैसे देगा? अबे तुम तो अंधे हो, तुम्हें अंधेरा क्या और उजाला क्या? और नर्स खाने के लिए मेंढक, चूहे और छछूंदर, मगर जिंदा। जिंदा? वो तो मेरे पेट में गुदगुदाएंगे। अरे दैट इज वेरी गुड फॉर ब्लाइंड आई। चलिए आप नर्स से बात कीजिए। कीप साइलेंट। नर्स कल ऑपरेशन से पहले पेशेंट को पेट से उल्टा लटका देना। उल्टा लटका दो? हाँ बात यह है कि आंखों का कनेक्शन दिमाग से होता है, इसलिए इसके दिमाग का इलाज भी करना पड़ेगा। वो कैसे? वो ऐसे कि इसको उल्टा लटका कर हम और तुम सीधी मोहब्बत का गाना गाएंगे तो इसका दिमाग सीधा हो जाएगा।
पाए हो? प्राण को चकमा देने के बजाय तुम एक दूसरे को चकमा दे रहे हो। नहीं अंकल। चुप। शादी का सब सामान और पंडित मेरे कमरे में। 24 घंटे के अंदर अंदर या तो तुम्हारी शादी होगी या तुम दोनों की बर्बादी। मेरा कमरा नंबर 13 है, समझे? कमरा नंबर 13, वेरी अनलकी कमरा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, महेश का क्या हाल है? साइलेंस, मुझे एक फाइनल आइडिया आया है, जरा किसी वेटर को बुलाओ तो। वेटर तो यहाँ कोई नजर नहीं आता। ओहो, तो आइडिया निकल जाएगा। मुझे बताइए ना क्या काम है। तुमसे नहीं होगा, मुझे जब आइडिया आता है तो लेटे लेटे, मगर साथ में मूवमेंट भी होनी चाहिए। लेटे लेटे और साथ में मूवमेंट भी होनी चाहिए, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, इसीलिए तो मैंने ये पहिए वाली चेयर बनवाई, अगर कोई वेटर होता तो जरा धकेल देता। तो फिर मैं वेटर को बुला रहा था। नहीं नहीं, तब तक तो आइडिया निकल जाएगा। तो मैं ही धकेल देती हूँ। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। देखिए, मैं महेश के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं धकेलती हूँ, आप आइडिया सोचिए। तो जरा प्यार से धकेल। मिल गया आइडिया। मिल गया आइडिया। अरे क्या करी, उठा उठा, आइडिया निकल जाए। आइडिया ये है कि महेश को अब एक फाइनल शॉक मिलना चाहिए, उसकी आंखें मिल जाएंगी। क्या फाइनल शॉक? जल्दी बोलिए ना। शादी। किसकी? तुम्हारी। महेश के साथ? पगली, महेश के साथ तुम्हारी शादी हुई तो उसको शॉक थोड़ा ही मिलेगा, बल्कि इतनी खुशी होगी कि और भी अंधा हो जाएगा। तो फिर किसके साथ? किसी भी और के साथ। ये मैं कैसे कर सकती हूँ? आप महेश के लिए मेरे जज्बात तो जानते हैं। जज्बात? छोड़ दो कुर्सी, तुम्हें कुर्बानी का बिल्कुल दम नहीं। या तो तुम्हें दिली की मुराद मिलेगी या महेश को उसकी आंखें। सुनिए, मैं महेश के लिए हर कुर्बानी करने को तैयार हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं आज ही प्राण से शादी कर लेती हूँ। प्राण के साथ? हरगिज नहीं। क्यों? मैं तो तुम्हारे कुर्बानी के जज्बे को टटोल रहा था, अब मुझे यकीन हो गया है तो मैं तुम्हारी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम्हारी शादी तो ऐसे आदमी के साथ होनी चाहिए जो कि महेश की आंखें मिलने के बाद फौरन तुम्हें डाइवोर्स कर दे, ताकि तुम फिर महेश से शादी कर सको। मगर ऐसा आदमी मिलेगा कहाँ? ढूंढने की क्या जरूरत है, वो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा। आप तो सचमुच देवता है। चलिए अभी शादी कर लेते। तो बैठो। यस यस, मैं उस लड़की से शादी करके उसे अपने साथ हांगकांग ला रहा हूँ। हाँ हाँ, बहुत जल्द। ऑपरेटर प्लीज कंटिन्यू। हाँ हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक है। हाँ बेटी सुनिया। आंटी जी, मैंने आज ही शादी करने का फैसला कर लिया। मजा आ गया, अब तो मेरी बारी भी आएगी। आएगा आने वाला, ये खूबसूरत नौजवान कहाँ से आया है? डॉक्टर आई वाला है। ओहो, मजा आ गया। डॉक्टर आई वाला की आंखें कितनी खूबसूरत हैं। आपकी शादी तो नहीं हुई? जी नहीं। मेरी भी नहीं हुई, मजा आ गया। ओह आंटी, मगर इनकी शादी तो मेरे से हो रही है। मजा आ गया। अरे तू किस किस से शादी करेगी? शादी तो जहाँ होगी सो होगी, इनसे तो मैं टेम्परेरी मैरिज कर रही हूँ। मजा आ गया, टेम्परेरी मैरिज। डॉक्टर साहब, आपका असली काम यही है क्या? ओ आंटी, ये सब मैं बाद में बताऊंगी, अभी इनके अंकल के कमरे में चलिए ना, शादी की घड़ी निकली जा रही है। घड़ी की बच्ची, तूने क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? टेम्परेरी मैरिज, परमानेंट मैरिज, आखिर सब क्या है? ओ आंटी, मैं आपको रास्ते में सब कुछ बताऊंगी, अभी चलो ना, देरी हो रही है। चलो आंटी। मजा आ गया, सर चकरा रहा है मेरा तो, धीरे धीरे चल। हे भगवान, इससे शादी हो। वो अंधा आ रहा है। महेश, दाल में जरूर कुछ काला है, दुश्मन कोई तगड़ी चाल चलने वाला है। कोई बात नहीं, देख लूंगा खड़ूस को। अंकल, ये मेरी दुल्हन है और ये इनकी आंटी। नमस्ते। नमस्ते, शादी की सब तैयारी हो चुकी है, ये देखिए। आपकी शादी हो चुकी है क्या? जी नहीं। बस फिर मजा आ गया, पहले सुनिया की शादी करा दीजिए। अभी लीजिए। क्या बात है, मजा आ गया। हेलो, गिव मी रूम नंबर 9। हाँ यस पंडित जी, हाँ नीचे आ जाइए मेरे रूम में। हाँ जल्दी जल्दी आइए, तशरीफ रखिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है पंडित।
अरे अरे कोई है जो मेरी मदद करेगा? मैं अंधा आदमी हूँ, मुझे मेरे कमरे तक पहुँचा दो। बेटा तुम्हारे कमरे का नंबर क्या है? पिताजी मैं तो कमरे का नंबर भूल गया हूँ, 334 है पिताजी। 334 332 333 334 तो ये है। यही कहाँ है? यही है भाई, ये देखो पीछे। लेकिन आ मैं तुझे पहुँचाता हूँ, पहले आप चलिए। मैं तो अंधा हूँ, 334 तो ये है। सूरदास हूँ, देवदास हूँ। बोल निकल निकल, खोल दे धोती। अरे खोल दे धोती। क्या करते हो भाई? ये पंडित कहाँ मर गया? ओम कल्याण जी आनंदम, जय शंकरम, जय जय कृष्णम, जय ओम प्रकाशम शक्ति आनम सिप्पिदानम मुखर्जी जानम, चट मंगनी पट व्याह तुम सबके ऊपर भोर भय स्वाहा। बेटी तुम यहाँ पधारो और बेटा तुम भी यहाँ पधारो और माता जी तुम कन्या दान करो। पंडित जी दुल्हन वो नहीं, दुल्हन ये है। समझ गया समझ गया, पहले आप दोनों की होगी शादी, उसके बाद इन दोनों की होगी। आप दोनों यहाँ पधारो और बेटा बेटा तुम कन्या दान करो। मैं कन्या दान करूँ? पंडित जी आप बखुला गए। बोखला बोखला आप गए हैं महाराज, बोखलाया मैं नहीं हूँ। हम तो इस कमरे में आते ही अपनी अंतर्यामी शक्ति से ये मालूम करवा लिया कि ये कन्या मंगल प्रूफ है, कभी मंगल सूत्र नहीं पहन सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि इसके मस्तक पर अंधेरा ही अंधेरा लिखा हुआ है, यानी के अंधा लिखा हुआ है। अगर इसका ब्याह होगा तो किसी अंधे से होगा, किसी और से होगा तो वो सातवें फेरे से पहले अंधा 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 हो जाएगा। पंडित जी हाँ, गेट आउट। क्यों? आई से गेट आउट। क्यों? मैंने तुम्हें यहाँ ब्याह करवाने के लिए बुलवाया, ज्योतिष पढ़ने के लिए नहीं। जो आपकी आज्ञा, चलो बेटा सूरदास बनने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं महाराज, मैं ये कैसे देख सकती हूँ कि ये अंधे हो जाए? हैं? डॉक्टर आई वाला की आई से कुल ये शादी नहीं हो सकती। ये क्या मजाक है? पंडित जी आप यहाँ से जाइए, मैं कोई दूसरा पंडित बुला लूं। महाराज आप पंडित को टाल सकते हैं, लेकिन अपनी खोपड़ी पे लिखे हुए को नहीं टाल सकते। इनकी खोपड़ी में ये नहीं लिखी हुई है, लेकिन आपकी खोपड़ी में ये लिखी हुई है। मजा आ गया। क्यों आ गया ना मजा? ये क्या मजाक है पंडित जी? गेट आउट। गेट ही नहीं है तो आउट कहाँ से होगा? बेटा अंधे तो बहुत देखे हैं, लेकिन आंखों वाला अंधा पहली बार देखा है। पहचाना नहीं, उल्लू के पट्टे। ओम शांतारामम, ओम राजेंद्रम, ओम गोलम गोत्रम, ओम भगत राम चोपड़म, इन सब के ऊपर भोर भय स्वाहा। सोनिया चलो जरा महेश के कमरे में चले, बेचारे अंधे को अकेला छोड़े बहुत देर हो गई। चलो आंटी। ए, 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 बेटी तुम जाओ, मुझे जरा इनके साथ अपनी कुंडली मिलानी है। अच्छा आओ। हाँ। मजा आ गया। क्या? मंडप तैयार है। क्या मतलब? मतलब ये शादी के फेरे, मैं तुम्हारी तुम मेरे। महेश महेश किधर गया? कहीं बाहर ना चला गया हो, मुझे डर है कहीं गिर ना जाए। महेश देखिए डॉक्टर साहब अपने कमरे में मेरी फोटो लगा रखी है, हाउ स्वीट। मगर वो तो अंधा है, उसे फोटो लगाने से फायदा? अरे हाँ डॉक्टर साहब, मुझे लगता है आपके इलाज से उन्हें कुछ कुछ दिखाई देने लगा है, द केस इज वेरी होपफुल। हाँ केस तो ज्यादा ही होपफुल है। क्या मतलब? मेरा मतलब कि अच्छी बात है कि बहुत जल्दी अच्छा हो रहा है। मगर गया कहाँ? ए, तो इधर क्या कर रहे हो, निकलो बाहर। निकलता हूँ निकलता हूँ। ओ महेश तुम पलंग के नीचे क्या कर रहे थे? डॉक्टर साहब इधर इधर। आपने कहा था ना कि मुझे अंधेरे में रहना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा पलंग के नीचे घुसा रहता हूँ। देखा डॉक्टर साहब कितना अच्छा पेशेंट है, द केस इज वेरी वेरी होपफुल, वेरी वेरी होपफुल। देख लो जरा पलंग के नीचे कितना अंधेरा है। अबे
वाकई बहुत अंधेरा है, बस अब तुम्हारा आखिरी इलाज करना होगा, ऑपरेशन। ऑपरेशन? हाँ, तुम्हारी ये आंखें निकालकर इनकी जगह उल्लू की आंखें लगा दूंगा। उल्लू की? वेरी गुड आईज। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। शट अप प्लीज, शट अप महेश। डॉक्टर साहब जो भी कुछ कह रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल। हेलो मैनेजर, देखिए आपके होटल में पेशेंट्स के लिए स्ट्रेचर है। गुड। यस मिस्टर प्राण, उन लोगों ने कल सुबह एक स्ट्रेचर मंगवाया है। स्ट्रेचर? इस खबर का शुक्रिया, तुमने अपने लिए 100 रुपए और खड़े कर लिए। मेरा सर जल रहा है। डॉक्टर साहब आप ये क्या कर रहे हैं? मैडम, आंखों के ऑपरेशन से पहले पेशेंट के सर में ब्राउन तेजाब लगाना पड़ता है। अरे अरे हाय। शट अप, द केस इज वेरी होपफुल। प्लीज महेश, शट अप, द केस इज वेरी होपफुल। मगर डॉक्टर साहब आपने अपने बाल क्यों कटा लिए? डॉक्टर का बाप मरने जा रहा है इसलिए बाल पहले से कटा लिए। Shut up, the case is very hopeful. Please, Mahesh, shut up. मैडम बात यह है कि पेशेंट ऑपरेशन में मर भी सकता है, इसलिए उसकी इज्जत में हम डॉक्टर लोग पहले ही अपने बाल कटवा लेते हैं। क्या मैं मरने वाला हूँ? Shut up. Mahesh, shut up. The case is hopeful. Hey, waiter, कौन लाया स्ट्रेचर? हम लाया सब। तुम लाया? देखो इस स्ट्रेचर को श्रीनगर का अमेरिकन कॉलोनी के अस्पताल में ले चलो। अमेरिकन कॉलोनी? हाँ। लेकिन वहाँ तो इंडियन लोग को जाने का परमिशन नहीं है, सब अंग्रेजी अंग्रेज है। अरे शट अप, हम अंग्रेज का बाप है, हम हर जगह जा सकता है। चलो। ओके। ये क्या किया तुमने? छूट गया मैम साहब। पकड़ो 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 पकड़ो। एक मर्दूत तो गया। फरमाइए। मुझे फॉरेन हांगकांग ले चलिए शादी के लिए। वंडरफुल, थैंक यू। ऑपरेटर गेट मी हियर इंडिया प्लीज इमीडिएटली। कम इन। अबे अकल के अंधे, अब अंधा बनने से फायदा? साहिब आपका लेटर। होटल का बिल भी अब अपने को ही देना पड़ेगा। मिस्टर महेश, एक मासूम लड़की की हमदर्दी का मजाक उड़ाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज ही प्राण से शादी करने के लिए हांगकांग जा रही हूँ। परमात्मा आपको हमेशा खुश रखे, मेरी दुआएं आपके साथ। सोनिया। चलो 10 लाख का घाटा। मुझे 10 लाख की परवाह नहीं, लड़की अच्छी थी।
मगर तुम तो कहते थे कि तुम्हारी ये लड़कियों वाली लाइन ही नहीं। कई इंसान ऐसे होते हैं जो बेलाइन वाले को भी लाइन पे लगा देते हैं। वो तो मैं कब से देख रहा हूं तुम कौन सी लाइन पे आ गए हो। जैसे तुम्हें सोनिया से प्यार हो गया है ना, वैसे ही मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। चलो अंकल से सलाह करते हैं, आओ। हेलो हेलो हांगकांग। हाँ हाँ हांगकांग। हाँ सुनो, हमने लड़की फांसने की पूरी कोशिश की लेकिन प्राण उसे लेकर भाग गया। तुम लोग हांगकांग के एयरपोर्ट पर कड़ी नजर रखो, अगर वो वहां से भी निकल जाए तो प्राण सोनिया को बैंक ऑफ हांगकांग में फार्मूला निकालने के लिए जरूर ले जाएगा। हाँ हाँ मैं उसी प्लेन से आ रहा हूँ। हाँ हाँ उसी प्लेन से। बापे, ये तो विदेशी जासूस मालूम होता है। लड़की तो गई, अब तो देश भी जाता नजर आता है। देख यार, आज से बगला भक्ति बंद, देशभक्ति चालू। चालू चल। रमेश, अपने पास न पी फॉर्म है न वीजा है, बिना पासपोर्ट के हांगकांग कैसे एक्सपोर्ट होंगे? Your attention please. Air India regrets to announce the delay of about 30. क्या अनाउंसमेंट होता है? Flight number बोला हांगकांग जाने वाला प्लेन आधा घंटा लेट है, हम वेटिंग रूम में वेट करेगा। रमेश, ये बुड्ढा देख मेरे जैसा लगता। छटके खा रही हो? होली फादर, होले होले। अरे होले होले, होले होले चलेगा तो हांगकांग में होली के दिन पहुंचेगा। चुप रे। अरे ये तो बेहोश हो गया। इज देयर अ डॉक्टर ऑन बोर्ड? आई एम अ डॉक्टर। इसको माउथ से माउथ रेस्पिरेशन मांगता, यानी मुंह से मुंह लगाकर सांस फूंकना। There is a nurse here. Nurse, come here please. Yes sir, हमको एक लड़की का मुंह से मुंह लगाकर उसके मुंह में सांस फूंकने का है। Good luck baby, लेकिन हौले हौले। अब हौले हौले, हम बड़ी फास्ट करेगा। Yes, yes doctor. तुम इसका मुंह से मुंह लगाकर सांस फूंको। अभी तो बात नहीं। उसको नहीं, इसको। इसको? अच्छा, इसको करेगा पहले। आई तुमको करेगा। ला मुंह इधर ला। छोकरी को गर्म गर्म हाथ पाते क्या आता है? बात से ज्यादा इसका मुंह धुलाना जरूरी, लेकिन हौले 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 हौले। मर गई छोकरी। प्राण बाबू मजा आ गया, क्या खूबसूरत एयरपोर्ट है। सोनिया तुम यहीं ठहरो, हम लोग सामान लेकर आते हैं। ओके आओ आंटी। मगर प्राण बाबू यहाँ चीनी तो नहीं बोलनी पड़ेगी? चीनी मैं बोलूंगा, आओ। फिर तो मजा आ गया। महेश, वो देखो। तुम आदमी है? यस जेंटलमैन। अरे ये क्या, मर गए, अब क्या होगा? क्या हम फिर भी होश हो गया था? हाँ डार्लिंग। तो हम होश में कैसे आया? वैसे ही, हम अपना सांस तुम्हारे मुंह में डाला। तुम हमारा, अरे
हमारा कपड़ा कौन बदला? हम बदला? तुम? तुमने हमारा मुंह से मुंह लगाया? इलाज के लिए? हमारा कपड़ा बदला? इलाज के लिए? तुम जानते हो हमारे देश का रिवाज क्या है? क्या रिवाज है? जो लड़का लड़की के मुंह से मुंह लगाएगा उस लड़के को लड़की से शादी करना मांगता है, समझा? बाप रे, अपने देश में ये रिवाज होता तो आज तक मेरी 500 शादियां हो गई होती। तुम हमारा से शादी बनाएगा कि नहीं? बनाएगा डार्लिंग, बनाएगा। देखो अब शादी तो बनाएगा, अब थोड़ा शादी का रिहर्सल भी तो बना। आ जाओ आ जाओ। वेलकम वेलकम जेंटलमैन, वेलकम वेलकम। यो मिस्टर दीवान, बैंक का लॉकर का चाबी तुम्हारे पास। यो मिस्टर प्राण, लड़की तुम्हारे पास। अब तुम दोनों मिल जाएगा तो एटम बम का फार्मूला हमको मिल जाएगा। लेकिन सर, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि फार्मूला मिलने के बाद आप मुझे 50 लाख रुपए देंगे, फिर ये पार्टनर क्यों? तुम घबराओ मत, तुमको पूरा 50 लाख मिलेगा। मिस्टर प्राण, तू गोवा में हमारा सीआईडी ऑफिसर है। जैसा तुम फार्मूला के पीछे था वैसा वो फार्मूला के पीछे था। अब तुम दोनों मिल जाएगा तो एटम बम का फार्मूला हमको मिल जाएगा, फिर हम देखेगा। पोर्चुगीज लोग गोवा तो क्या, अब सारी दुनिया पर राज करेंगे। तेरी वाली आ गई, क्या हुआ? प्राण और दीवान साहब दोनों आपस में मिल गया है। इसका मतलब ये, वो लोग कल बैंक जाएंगे। इसका मतलब है हम लोग आज बैंक पहुंचेगा। चलो आओ, कम ऑन। काश मेरी माँ जिंदा होती तो तुम्हें देखकर खुशी से फूली न समाती। बेचारी मेरी शादी का अरमान दिल में लेकर चली गई। आपके भाई बहन हैं? कोई भी नहीं, इसीलिए तो ये प्यार से भरा दिल छलक रहा है। और ये सबसे कीमती तोहफा मैंने तुम्हारे कदमों में डाल दिया है। हाँ, तोहफे से याद आया, मेरी माँ भी तुम्हारे लिए एक तोहफा छोड़ गई। मेरे लिए? हाँ, कहती थी कि मेरे होने वाली बहू का नाम उषा राय रखना, और इसी नाम से उन्होंने एक बहुत कीमती तोहफा हांगकांग बैंक में जमा करवा दिया था, जो कि सिर्फ तुम जाके ले सकती हो। मैं आज ही बैंक जाके तोहफा ले आऊंगी। माँ जी कितनी अच्छी थी। तुम भी तो कितनी अच्छी हो। बैंक भी है, मुर्दा खाना भी। इधर मुर्दा खाना, इधर बैंक। आज रात की रात इधर बैंक और इधर मुर्दा खाना, क्या समझे? तो इसका मतलब ये हुआ कि सोनिया बजाय बैंक के मुर्दा खाना में आएगी। वेल डन पार्टनर। चलो भाई तुम भी आओ, दो मुर्दे हैं उठाने को। अंकल जॉन, क्या है? दो मुर्दे लाए हैं। हाँ तो डाल दो टेबल पर, चले आते हैं मुर्दे लेकर। क्या भाई, हो गया काम तुम्हारा? हो गया जॉन। अच्छा जाओ, लेट अस गो। पीटर, ओ पीटर। यस अंकल जॉन, इनमें से एक को 19 नंबर में डाल दो। ओके। ये तो पहले से फुल है। अच्छा तो ऐसा कर, इसको 8 नंबर में डाल दे और उसको 13 नंबर में। ये 8 नंबर में नहीं जाएगा, बहुत मोटा है। ए टकलो, मोटा तेरा बाप। 8 नंबर में मेरे को डाल दो। मुर्दे खाने तक तो पहुंच गए। रमेश, वो तो सब ठीक है, अब ये मुर्दा खाना बैंक भी बन जाएगा, लेकिन बैंक में काम करने वाले आएंगे कहां से? अरे मुर्दे ही हमारा काम करेंगे। मुर्दे? हाँ, तू फिक्र मत कर, जाकर बाहर मुर्दे खाने का बोर्ड हटाकर बैंक का बोर्ड लगा, मैं यहां तैयारी करता हूं। ओके। बैंक, मुर्दा खाना, मुर्दा खाना, बैंक, बैंक, मुर्दा खाना, ठीक है। अरे बैंक तो यहां था। वो रहा बैंक। क्या मुसीबत है? सुना था मुर्दे को खड़ा करना मुश्किल है, आज देख लिया रे, बंदूक पकड़। अबे मुस्कुरा, चाह भाई ऐसे
अरे आँख खोल। मैनेजर का कमरा कौन सा है? अबे हंसता क्यों है? जवाब देना। गूंगा है। मैनेजर रूम। सुनिए मैनेजर साहब का कमरा कहाँ है? अजीब मुर्दा बैंक है, सब ऐसे पड़े हैं जैसे कोई मर गया हो। बात ही मरन दी है मैडम, आज सवेरे इस बैंक ने 1 करोड़ रुपए का घाटा पिया, सब नु गश पै गई। थैंक गॉड, एक मुर्दा तो बोला। व्हाट मैडम? जी मुझे अपना लॉकर खोलना है। लॉकर? देन कम टू द मैनेजर जी। ये अंग्रेज लोग देसी लड़की को देखकर फौरन उस पर मरने लगते हैं। अटेंड टू योर बिजनेस प्लीज, दिस इज अ बैंक। आइए। हेलो, वहां जी पता चल गया, वो जी बैंक को 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन तुसी फिक्र ना करो, मैं बैंक की कुर्सी टेबल वगैरह सब बेच कर आपका 1 करोड़ रुपया पूरा कर दूंगा। वो जी मेरा नाम भी धर्मिंदर सिंह है। मैनेजर जी सत श्रीकाल। महाराज कुड़ी ने लॉकर खोलना है। वो जी की खोलना? दसो जी की खोलना? लॉकर। लॉकर खोलना? तुम्हारा नाम की है जी? उषा रॉय। उषा रॉय, तो जी चाबी कितने? चाबी दियो जी। लो जी दस्तखत कर दो जी, इतने साइन कर दियो जी। चंगी तरह ध्यान नाल अपना ही। ओ जी बस बस बस, बस। चलो जी ए ले जी। चलो लो जी तुहाडा लॉकर खोलो जी। 6 नंबर? मगर मेरे लॉकर का नंबर तो 9 था। ओ जी वो ये 9 नंबर लूज होके 6 बन गया, ये देखो। लो अब 9 बन गया। खोलो। थैंक यू। सत श्री अकाल। ओ जी यू आर वेलकम जी। सत श्री अकाल महाराज। चाबी तो आ गई, छोकरी का क्या होगा? छोकरी भी आ जाएगी, मगर इधर से तो चलो, मुर्दों की बो आ रही है। चलो। थैंक यू। वो तुम शॉपिंग के लिए कह रही थी ना? ये लो रुपए, शॉपिंग करके सीधे घर आ जाना। थैंक यू। यस स्पीकिंग, रमेश महेश एंड कंपनी स्पीकिंग। अजी वही कंपनी जो दुश्मनों का मुंह काला कर देती है। आज शाम को हमारा बोल बाला और आपका होगा मुंह काला। क्या बोला? हमारा मुंह काला कर देगा? यू इधर जंगली वाला शराब। क्या बात है सर? वो महेश रमेश बोला हम तुम सबका मुंह काला कर देगा। मुंह काला करेगा? बस कांग्रेचुलेशंस, गुड न्यूज, फार्मूला मिल गया। ओह वंडरफुल, ओह वंडरफुल, ओह वंडरफुल। अब हम देखेगा कौन किसका मुंह काला करता है। बोल सर, वो बदमाश लोग बिल्कुल ठीक बोलता था, आप तो बिल्कुल काला हो गया। अरे मुंह तो तुम्हारा भी काला हो गया। देखो सोनिया और बदमाशों का हाथ लग जा, भागो जाओ जल्दी जाओ। अच्छा जाओ जल्दी, टाइम जाते वक्त खराब। हे हे मैडम मैडम, लियो लियो हांगकांग लियो। ये लोग कौन है? तुमको किधर से मिला? ये हिंदुस्तान का 2 मशहूर गाने वाला है। इनका गाने में बंगाल का जादू है और जादू में बंगाल का गाना है। खड़ाक से इधर और फटाक से उधर। अभी किधर है ये थिएटर में काम करता है? इस थिएटर में? हाँ हाँ इधर। थैंक यू।
जादू बंगाल। मजे आ गए मिस्टर प्राण। बीच के किनारे गाने के बाद सोनिया की जगह दूसरी लड़की पाकर रमेश और महेश को बड़ा कलेश हुआ होगा। वो लोग तुमको 10 जूता मार और तुम एक जूता मार के खुश होता, जंगली वाला इडियट। मिस्टर प्राण, तुम सबसे पहले सोनिया से शादी बनाओ ताकि वो हाथ से न जाने पाए। ब्रिलियंट आइडिया सर। शराब चमचाबाजी। मुसीबत है कि बेदिलों को दिल दिया है। अरे वो दोनों पहले बेदिल और बदमाश जरूर था, मगर अब बगला भगत से एकदम देशभगत हो गया। सच्ची तुम हमारा बात सुनेगा, तुमको सब मालूम हो जाएगा। आओ हमारे साथ, कम ऑन, चलो। करने गए थे शादी और हो गई बर्बादी, पूरे 7,500 हांगकांग डॉलर खर्च हो गए। अरे तुम डॉलर को रोता है, हम फार्मूला का सोचता है। अरे हाँ सुनो, कल वो लड़की को लेकर बैंक में फार्मूला लेने जाएगा। तो बस ठीक है, हम बैंक से फार्मूला छीन लेंगे। बस इससे वंडरफुल आइडिया, बस इससे वंडरफुल आइडिया। ओ यू शराब जंगली वाला, नमस्कार बाजी। दुश्मन लोग सामने खड़े हैं, गाड़ी भगाओ। क्या हो चलाओ।
साड़ियों का एक ही मॉडल, एक ही कलर और एक ही नंबर, अब हम किसका पीछा करें? दो आदमी और तीन हाथ दिखा गए। खैर कोई बात नहीं, जाएंगे कहां? या तो एयरपोर्ट या समंदर, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, देखते हैं दोनों रास्तों से बचकर कहां जाते। चलो आए, कुछ पता चला उनका? वो ऊपर के कमरे में भेष बदलकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं उनको ऊपर जाकर पकड़ता हूँ। अगर वो भाग निकला तो इसी मैदान में आएगा। तुम लोग चारों तरफ मैदान में फैल जाओ और तुम वहां गोल्फ खेलने के बहाने खड़े हो जाओ। तुम दोनों वहां तंबू लगाकर भाग जाओ, समझा? कम ऑन, जल्दी करो। अरे तुम लोग तैयार नहीं हुए, जल्दी करो। हिंदुस्तानियों, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना मार दिया जाएगा। रमेश, लड़कियों को यहीं छोड़ो, हम लोग फार्मूला लेकर खिड़की से कूदी मार देते हैं। फार्मूला प्यारा है या जान? जान, जान। अब अकल आई, बताओ फार्मूला कहाँ है? अब बताओ, वो जो है ना अपने दाढ़ी वाले दीवान साहब, उनकी चड्डी के अंदर है। चड्डी? हाँ। चड्डी क्या? जी वो उनकी पतलून के नीचे अंडरवेयर है ना, हमने फार्मूले का कागज उसे छुपा दिया था। ये क्या बकवास है, पैंट के अंदर फार्मूला कैसे जा सकता है? हमारे कमाल से प्राण बाबू, ये बकते हैं, ये बिल्कुल झूठ है। नहीं जी, हम लोग बकते नहीं है, अगर हम लोग झूठ बोलते हैं तो हमारी गर्दन तो अटकी हुई, आप हलाल कर दीजिए। ठीक है, अभी मालूम हो जाएगा। ऑफिसर, दीवान साहब की पतलून उतारो।
प्राण बाबू, मैंने आपसे पहले ही कहा था ये दोनों बख्त हैं। मजा आ गया। प्राण साहब हमारे साथियों के कुल्फी बना रहे हैं। हाँ, पहले इनकी कुल्फी बनाकर तुझे खिलाऊंगा। हाँ। फिर तेरी कुल्फी बनाकर इनको खिलाऊंगा। पर क्यों? ये बता नहीं रहे हैं कि फार्मूला कहाँ है। फार्मूला वो तो मेरे पास है। तुम्हारे पास है? हाँ। तो अरे वाह, मैं कोई इतनी पागल हूँ जो अकेले यहाँ फार्मूला लेके आती। इस हाथ दे, इस हाथ ले। ठीक है। हाँ। कल रात को भेष बदल कर हमारी कलकत्ता नाइट क्लब में आ जाओ। भेष बदल के क्यों? कल वहाँ फैशन शो है। हाँ। किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस हाथ फार्मूला दे जाना और उस हाथ से इन दोनों को ले जाना। मजा आ गया। मंजूर? मंजूर। मजा आ गया, क्या तकड़ा हाथ है। चल अपने। साहिबान, अब कलकत्ता क्लब का फैशन शो शुरू होता है। ये देखिए आ रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट। दो कैदी और इनके साथ साथ एक जेलर। संभालिए खूनी जल्लाद। मजा आ गया। ये लो फार्मूला। फार्मूला तो असली है। फार्मूला तुम्हारा, कैदी लोग हमारा। चलो ठहरो। फार्मूला भी हमारा और कैदी भी हमारा और तुम भी हमारा कैदी। देखो तुम इनको संभाल के लाना, मैं चलता हूँ।
पहुंच गए। ये लो, इसे संभालो। जाए इनको और बाकी हिंदुस्तानी कैदियों के साथ इनको भी बंद कर दो। ठीक है। 26 जनवरी को इनको यौम आजादी के दिन इनको भी इनकी जिंदगी की कैद से रिहा कर दिया जाएगा। आपकी फौज में हिंदुस्तानी भी हैं? सब हिंदुस्तानी तुम्हारी तरह हमसे गद्दारी नहीं करते। ऐसा नहीं साहब, ऐसा कि ये गद्दारी करते हैं और हम गदर करते। चला, पहली गोली लगते ही तुम्हारी जुबान बंद हो जाएगी। ले जाओ इनको। चलो, ये चाल तो खत्म हो गई, अब कोई दूसरी चाल चलना पड़ेगा। हाँ यार, तुम तो अटेंशन। तुम अभी तक सोया नहीं तो यहां से भागने को प्लान कर रहा है। तुम क्या छुपा है? तुम क्या छुपा है? खोलो, खोलो, यही बंद करो। ये कौन है? ये नारा कह दी, आज ही पकड़ा गया है साहब। इतना लंबा है, इतना छोटा मुंह। मेरा नाम ही छोटा मुंह बड़ी बात है। देख लेंगे तुम्हारा बड़ी बात। अभी गया? गया। शेर, यार ये तो अपना जेल तो उस्ताद निकला। आप लोग मुझे मदद के लिए बुलाओ और मैं ना घर उस्ताद। ये कौन है? अरे ये तो मेरा भांजा है। दरअसल बात ये है कि यहाँ के सब पुर्तगाली मुझे पहचानते हैं, क्योंकि मैं 10 दफा जेल तोड़ के भाग गया हूँ। बात क्या हुई, मैंने मेरे भांजे को कंधे पे बिठाया और उसको एक लंबा चुगा पिलाया और भांजे से कहा ऑफिसर को एक थप्पड़ मार। इसने जैसे ही थप्पड़ मारा उसने उसको अंदर ले आया और उसके साथ मैं यहाँ चला। वेरी गुड, वेरी गुड, कमाल किया यार, बहुत कमाल। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों को तकलीफ क्या है? अरे क्या बताए उस्ताद, भागने के लिए टनल खोदी इस तरफ, वो निकली उस तरफ। खोदी इस तरफ और निकली इस तरफ? हाँ। ये कैसे हो सकता है? उस्ताद, तुम हमारे टनल एक्सपर्ट को देखोगे तो समझ जाओगे। चल बे, इधर आ। समझ गया, समझ गया। अबे तुझे दिखाते हैं मुझे? मुझे अच्छा, समझा समझा। वहां निकला या यहाँ निकला? टनल कहीं तो निकला होगा। निकला, लेकिन साथ वाले लेडीज के जेल में निकला। अरे ये तो और भी अच्छा है। लेडीज के जेल में चलो, अरे यहाँ से तो निकलो। वाह वाह वाह, क्या आइडिया। चुबरा चमचे उस्ताद, तुम्हारा भी भेजा घुमेला है। एक जेल से निकल के दूसरी जेल में घुसने से क्या फायदा? जूनियर, हम उधर लेडी कैदी बनकर बैठ जाएंगे और लेडीज को इधर आदमी कैदी बनाकर बैठा देंगे। उस्ताद, तुम भागने की सोच रहे हो ड्रामा करने की? आदमी को औरत और औरत को आदमी बना दे, फायदा क्या? बेटा, औरतों की जेल में पहरेदार भी औरतें होंगी, वहाँ से भागना आसान होगा। हम मान गए उस्ताद, जूनियर से सीनियर का भेजा वाकई में सीनियर है। अब वो क्या आइडिया है? क्या आइडिया है? तो इसने सोचने की क्या बात है? चलो चलो लो। कहाँ गए? गूंगे, तू बता। उस खटिया के नीचे। अच्छा,
तो चलो। अरे तू कहाँ जा रहा है? जब तक मैं औरतों को टनल में से आवाज नहीं दूं तो दरवाजा नहीं खुलेगा। मगर कौन सी औरत को आवाज देगा? मेरी चुनिया है इधर, चुनिया। चुनिया, चुनिया, चुनिया! अरे बाप रे, इस टनल के गुल से तो हम सब पकड़े जाएंगे। ए, ये क्या हुआ? चुनिया! अरे किधर है रे तू? मेरे दिल की रानी, मेरे नवासों की नानी, आ गया हूँ भाई। अरे देख ले, मैं आ गया, परमिशन ले। महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा चूल्हा। महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा चूल्हा। चार मीनार छोड़ा, बेच को टांगा घोड़ा, आया मैं दौड़ा दौड़ा, काबिल हो राम थोड़ा। महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा चूल्हा। तेरे गेसू उफ तेरी अंखियां, हाय तेरी बाता, पी जाऊं घोल को उफ तेरी मस्ती, उफ तेरा जलवा, मरगा मरगा मई, बिका बिना मोल को, बिका बिना मोल को। अब के जो मुँह को मोड़ा, अब के जो दिल को तोड़ा, अम्मा की खसम खा को, खा लूंगा जहर थोड़ा। महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा दूल्हा। महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा चूल्हा। तुम्हें आते ही ना हमको बुलाते ही, अजीजी को जलाते ही, थपक लूंगा देखना। ऐसा क्यों करते ही, जुल्म क्यों ढाते ही, क्या नखरे दिखाते ही, थपक लूंगा देखना, थपक लूंगा देखना। काय के ये लटका, काय के ये झटका, काय के ये मटका, कर लियो दिल चौड़ा। महबूबा महबूबा बना लियो मुझे दूल्हा, जला दियो मेरा झूला। सुनो भाइयों, तुम सब मिलके टनल के अंदर चलो, सुरंग में हम दोनों पैर देते हैं। लुक, हम इधर न्यू ऑफिसर है, हम बहुत हार्ड है, तुम लोग कुछ गड़बड़ करेगा हम मारेगा, समझो? अरे तुम कितना लंबा है और तुम्हारा मुंह कितना छोटा? हमारा नाम ही छोटा मुंह बड़ी बात है। अच्छा मेम साहब, हम लोग इस जेल में रहकर तंग आ गए हैं। हम सब लड़कियों ने ये फैसला किया है कि हिंदुस्तान के खिलाफ और आपके साथ। वेरी गुड मेम साहब, इस दोस्ती के सबूत में हम आपसे गले मिलना मांगता है। ऑलराइट लेडी, यस
लड़कियां 1, 2, 3 Woman! Good cheeks! Run! That's it, everybody! You cheat! You're a monster! We're all cheats! My God! This is a man! हिंदुस्तानी बाबू को हम तुम्हें आखिरी चांस देते हैं गोवा पर दोबारा हुकूमत कायम करने में तुम लोग हमारा साथ दो हम तुम्हें सिर्फ रिहाई नहीं बल्कि माला माल भी कर देंगे बोलो क्या जवाब है तुम्हारा तुम्हारा जवाब जय हिंद जय हिंद फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ सोल्जर्स रेडी तुम क्या करता है मालूम होता है जहर पी रहा है और भी अच्छा है हमारी एक गोली बच जाएगी पियो जहर पियो ये जहर नहीं साहब ये जीवन अमृत है जीवन अमृत इसके पीते ही आप मेरे सीने में 10 गोलियां मारिए मैं नहीं मर सकता हाँ ये बात है पियो हम देखते हैं अच्छी बात है क्या दिया है तुमने जीवन अमृत एक महामहर्षि योग जोगी महाराज ने ये हमें दिया है और कहा है बेटा जब तुम इसको पियोगे अमर हो जाओगे ये हमको तो अरे जा जा हमको तो बात करा दे क्या तुमको दे देगा तुम लोग पिएगा तो सब अमर हो जाएगा कोई दूसरी बात करो साहब दूसरी लाओ इधर लाओ हमको तो ये अरे ए उस्ताद गोली से कैसे बचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है छुपा दिया और सुनो ये जीवन अमृत क्या है अभी पता चलेगा क्या ये जमाल घोटा है जमाल घोटा घोड़ों को जुलाब देने वाला घोड़ों को जुलाब हाँ। सर हम भी घबराओ मत पहले हम पिएगा फिर तुम सबको पिलाएगा इस बेवकूफ ने अच्छी चीज हमारे हाथ में दे दी है अब हम गोवा तो क्या सारे हिंदुस्तान को जीत सकता है श्योर लो तुम पियो फिर सब ऑफिसर को पिलाओ थैंक यू वास्को डी गामा तुम पियो और सब सोल्जर्स को पिलाओ Stop! Stop! Pull it! Stop. Oh, shit! Ah! Oh, God! Hey, just put it! Hey! आपने ये फार्मूला हासिल कर लिया और अब इसे हिंदुस्तान भेजने की प्रॉब्लम है जी नवाब साहब हांगकांग में सारे हिंदुस्तानियों के आप ही लीडर हैं इसलिए हम आपके पास आए ये समस्या आप ही हल कर सकते हैं हिंदुस्तानी दुनिया के किसी कोने में भी हो
अपनी भारत माता को नहीं भूलते। एग्जैक्टली ये काम सिर्फ आप ही का नहीं, हर हिंदुस्तानी का है। मगर ये काम जल्दी होना मांगता है, वरना हम सब लोग पकड़ा जाएंगे। वैसे तो हमें पकड़े जाने की आदत हो गई है। आप लोग ठीक मौके पर आए, कल नवरात्रि का त्योहार है। हांगकांग के हिंदुस्तानी हर साल ये मटका अपने देश को भेजते हैं, आपका ये फार्मूला इसी मटके में रखकर भेज दिया जाएगा। क्या खबर लाया है? बॉस वो लोग गरबा के मटके में फार्मूला छुपा कर निकलने वाले। आओ देख लेता है। लेकिन बॉस गरबा धर्म का मामला है, जरा बच बचा कर। तुम चुप रहो, आओ हमारे साथ। कम ऑन। बॉम्बे मैया, अब हमारी और हमारे देश की रक्षा तेरे हाथ है। देश के द्रोही तेरे पुजारियों को भारत पहुंचने से पहले खत्म करने की कोशिश करेंगे, मगर अम्बैया अगर रमेश और महेश खत्म हो जाएं, तो तू अपनी छह भुजाओं से छह रमेश और महेश पैदा करके देश के द्रोहियों को चक्कर में डाल देना।